एक बार की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ रहा करता था। दिन भर इधर उधर से चुरा कर खाना और बड़ी बड़ी गप्पे हाँकना उसे अच्छा लगता था। चोरी करने में और झूठ बोलने में उसका कोई सानी न था। पूरे जंगल में ऐसा एक भी जीव नहीं बचा था जिसे उस लोमड़ ने ठगा ना हो। रोज की तरह वो लोमड़ खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ा। रोज रोज जंगल का खाना खाकर ऊब चुका हूँ, कुछ स्वाद में बदलाव चाहिए, क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। आज गन्ना खाने की इच्छा हो रही है। वो लोमड़ गन्ना खाने के लिए जंगल से एक खेत की ओर चल पड़ा। हरे भरे लहराते गन्ने के खेत देखकर वो लोमड़ बहुत खुश हुआ। कितने ताजे और रसीले गन्ने लग रहे हैं, आज तो पेट भर गन्ना खाऊंगा। लगता है आसपास कोई भी नहीं है, चलो इस खेत में घुस जाता हूँ। फिर वो लोमड़ उस गन्ने के खेत में घुसकर मजे से गन्ना खाने लगा। खेत में हलचल देखकर दूर बैठे किसान ने दूसरे किसान को जोर से आवाज देकर कहा, अरे भाई वो देखो, तुम्हारे खेत में लगता है कोई घुस गया है। अरे लगता है वही लोमड़ घुस गया होगा, पिछली बार वो बहुत सारा गन्ना खाकर भाग गया था, आज मेरे हाथों से नहीं बच सकता। उस लोमड़ को ऐसा मजा चखाता हूँ कि फिर किसी के गन्ने के खेत में घुसने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। वो किसान एक बड़ी सी लाठी लेकर गुस्से से गन्ने के खेत की ओर भागा। वो किसान उस गन्ने के खेत के अंदर घुस गया। उसने देखा कि एक लोमड़ गन्ना खा रहा था। किसान को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। लोमड़ के बच्चे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तक तू मेरे हाथों से बचता रहा, लेकिन अब नहीं बचेगा तू।